फिल्म तारे आगते ने देख रहे साढ़े सारे ही दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। कुंभ ते मीन लगन वाले दे काल सर्पदोष के बारे चर्चा करांगे। उस तो पहला एक गल करांगे कि शनिदेव किदां धरती दे न्यायाधीश ने, लेकिन सब तो पहला दो बहुत ही असरदार टोटके थानू दस दिए। जिहड़े लोग चाहते हैं कि उन्हां दी आमदनी दे विच कई गुना वाधा हो जाए, मेहनत तो करनी पेगी, ईमानदारी नाल काम करना पेगा, पर नाल दी नाल दे टोटका भी काम करेगा। किसी भी गुरु पुछया, शनि पुछया, रवि पुछया दे विच सफेद अक जड़ा है उहदे कोल एक दिन पहला जाके उहदा पूजन करो। अगले दिन सुबह जड़ा उठ के उहदी जड़ किसी भी लक्कड़ की वस्तु के नाल खोद के लैके आओ ते उहनूं सज्जे डौले के उत्ते धारण करो। इहदे नाल तुहानूं इदां पॉसीबल होएगा। फिर सुखी जीवन दे लई रोज़ जड़ा है गर्म तवे के उत्ते रोटी सेकण तों पहलां दुध दे छट्टे मारो, घर दे विच बीमारी दा प्रकोप नहीं रहेगा। जिहड़ा भी व्यक्ति सवेरे सवेरे उठ के स्नान आदि करके उपासना करता है, दिन दे विच उत्तर वाले पासे मूँह करके ते रात नूं दक्षिण वाले पासे मूँह करके मल मूत्र त्यागदा है, वह हमेशा सुखी जीवन बतीत करता है। सो शनिदेव धरती दे न्यायाधीश इहदे बारे गल करदे आ। सो इस संसार दे संचालन दे लई ईश्वर नूं बहुत सारियां अनंत शक्तियां दे रूप दे विच विभाजित किया गया। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये प्रभु दियां जिहड़ियां हैगियां नौ शक्तियां ने, जिहनूं आपां नवग्रह भी कहिंदे आ। जिहड़ा इंसान दे प्राणी मात्र नूं जिहड़ा उहदे कर्म दे अनुसार फल दिंदे आ, सुख दुख दिंदे आ। सो इहदे विच अठ जिहड़े हैगे न्यायाधीश, ते इक सर्वोच्च न्यायाधीश कहा जांदा है जिहनूं आपां शनिदेव कहिंदे आ। सो भगवान शंकर जी ने यमराज नूं मनुष्य दे कर्मां दे लेखा जोखा दे बारे ते शनिदेव नूं धरती दे उत्ते जीवां दे माड़े कर्मां दा दंड देण दा इक जिम्मा सौंपिया सीगा। शनिदेव अपने गुरु की आग्या दे नाल जिहड़ा है पृथ्वी वासियां नूं उहनां दे कर्म दे मुताबिक ही सज़ा दिंदे आ ते कर्म दे मुताबिक ही उहनां नूं इनाम भी दिंदे आ। सो जिन्हां दी कुंडली दे विच शनिदेव वधिया परिस्थिति च नहीं हैगे ते उहनां नूं बहुत ही ध्यान दे नाल अपने जीवन नूं चलाउणा चाहीदा। कुंभ दे मीन लगन वाले काल सर्प दोष जदों होवे तां किदां हुंदा है? कुंभ लगन वाले जे जातक दा कुंभ लगन हैगा ते काल सर्प दोष दा निर्माण हो रिहा ते राहु दा संबंध जिहड़ा दूजे, पंजवें, सतवें ते बारहवें भावां नाल हो रिहा ते जातक नूं परिवार दा विद्रोह सहना पै सकदा है। दंपत्य सुख प्राप्त होएगा लेकिन बिना वजह दे झगड़े उहनूं निरंतर परेशान करदे रहणगे। कुंभ लगन दे विच राहु अठवें भाव दा स्वामी हुंदा है, इस लई जिहड़ा है शनि दे नाल राहु दा संबंध जातक नूं शारीरिक कमजोरी दे सकदा है। सो दूजे भाव दे गुरु दे नाल राहु दा संबंध धन वृद्धि कारक होएगा लेकिन बिना कारण खर्चा दे विच भी वाधा होएगा। परिवार दे नाल जातक दा मतभेद हो सकदा ते पैतृक संपत्ति जिहड़ी हैगी है उहदे नाल जातक तों वंचित रहना पै सकदा है। सो पंचमेश बुध दे नाल जिहड़ा राहु दा संबंध होण दे नाल संतान मिलेगी लेकिन जिहड़ा उहदे सुख तों वंचित रहना पै सकदा है। सतमेश सूर्य दे विच वी राहु दा संबंध जिहड़ा जातक दे वैवाहिक जीवन दे विच ग्रहण उत्पन्न कर सकता है। रोज़ कला कलेश के कारण दंपत्य जीवन जिहड़ा जहरीला हो सकता है ते टुटन दे कगार दे उत्ते पहुँच सकता है। फिर बारहवें भाव दा स्वामी शनिदेव दे नाल जदों राहु दा संबंध जातक दे जीवन दे विच बनता है तां उहनूं जिहड़ा विरक्ति दे भाव लग जांदा है। मीन लगन वाले जातक जिहड़े आ जिन्हां दा काल सर्प दोष दा निर्माण हुंदा है, राहु दा संबंध दूजे, पंजवें, सतवें या बारहवें भाव दे नाल होवे तां जातक नूं जिहड़ा धन संबंधी समस्या दे नाल ग्रस्त होना पैंदा है। सो अपने दैनिक खर्चे के कारण उहदा जिहड़ा दंपत्य जीवन कला पूर्ण हो जाता है। सो मीन लगन दे विच राहु सतमेश हुंदा है। सो लग्नेश गुरु दे नाल राहु दा संबंध जिहड़ा जातक नूं शारीरिक बीमारियां दिंदा ते उहदे दिमाग दे विच बुरे विचार पैदा करदा है। सो पंचमेश चंद्रमा दे नाल राहु दा संबंध जिहड़ा जातक नूं संतान संबंधी समस्या भी दे दिंदा है। सो संतान रोगी हो सकदी है जिस कारण उह परेशान हो सकदा है। सो सतमेश तां आप ही राहु है इस लई जिहड़ा है जातक अपने वैवाहिक जीवन का सही ढंग के नाल उपभोग नहीं कर पाएगा। बारहवें मंगल के संबंधों के कारण जिहड़ा जातक बिना कारण खर्चों तो परेशान रहेगा। फिर आमदनी उहदी घट ते खर्चे ज़्यादा होने के कारण उहनूं दंपत्य जीवन के कला कलेश का वातावरण पैदा हो जाएगा। सो इन्हां फलादेश के मुताबिक जिहड़ा राहु की दूरी के आधार पर ही आपां जिहड़ा वर्णन करते हैं कि राहु किहड़े किहड़े घरां दे विच कितनी कितनी दूरी बना के है। सो इस तों इलावा जिहड़ा कुंडली दे विच बनन वाले होर शुभ ते अशुभ योग जिहड़े राहु केतु दी स्थिति नूं ध्यान रख के कहे जा सकदे उहदे बारे असीं पहलां वी दस्सिया। सो साडे एपीसोड्स नूं तुसीं यूट्यूब ते एस्ट्रोलॉजर सुखमंदर लुधियाना इंडिया नाम दे साडे चैनल तों ही देख सकते हो। सो नाल दी नाल तुसीं इहनूं चाहो तां सबसक्राइब भी कर सकते हो।
ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰਸ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਜਾ ਮਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਛੁੱਕੇ ਜਾਈਓ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਓ, ਗੁਰੂ ਜਨਾ ਦੱਸੇ ਰਸਤੂ ਤੇ ਜਾਂਦੀਓ, ਝੂਠ ਤਾਂ ਬੋਲਿਓ, ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢਿਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਤਕਦੀਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਖਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਮਾਰੀਓ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਈਓ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਦਸ ਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਨੇਕ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਮਸਕਾਰ।